तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन एकेडमी में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे रोमन रोड्स के बारे में। यहां पर हम पढ़ रहे हैं हाईवे इंजीनियरिंग और ये हाईवे इंजीनियरिंग का लेकर हम क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन देख रहे थे। इंट्रोडक्शन का ये सेकेंड पार्ट आप इसे बोल सकते हो। तो आज हम देख रहे हैं कि सबसे पहला रोड कैसे बना था। सबसे पहला रोड बनाए गए थे रोमन्स के द्वारा। जो रोमन लोग थे, जो रोमन की सभ्यताएं थी वहां पर सबसे पहले एक रोड बनाया गया था, उसे रोमन रोड कहा जाता था। तो हमारे जो सिलेबस है उसमें रोमन रोड इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई चीज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ हम फोकस करेंगे रोमन रोड के बारे में, बाकी और भी बहुत सारे रोड बने हैं, जैसे कि मुगल पीरियड में रोड बने हैं, उसके पहले भी बहुत सारे रोड बने हैं, तो वो चीजें हमें नहीं देखनी है। हमारा सिलेबस के हिसाब से रोमन रोड था तो हम रोमन रोड को देख लेते हैं। तो इसका क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा था, रोमन रोड कुछ इस प्रकार के बनाए जाते थे। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। देखो ये नीचे नीचे क्या है, हार्ड स्ट्रेटा है। तो क्या करते थे, जैसे कि अभी हम फाउंडेशन बनाते हैं तो क्या देखते हैं कि हमारी हार्ड सॉइल आ जाती है तो हम वहां पर रुक जाते हैं, उसके ऊपर हम हमारा स्ट्रक्चर तैयार कर देते हैं। वैसे ही पहले भी ऐसा ही हुआ था कि जहां पर हार्ड स्ट्रेटा आ गया था तो वहां तक हम क्या गए थे, नीचे तक एक्सकेवेशन इन लोगों ने किया था। तो टोटल थिकनेस यहां पर ली थी कितनी है, रोड के ऊपर से लेके जितना एक्सकेवेशन हुआ वहां तक के टोटल थिकनेस थी वो 0.75 मीटर से लेके 1.2 मीटर तक हुई थी। कहीं कहीं पर 0.75 मीटर पर हार्ड स्ट्रेटा आ गया उनका, कहीं कहीं पर 1.2 मीटर पर, या कहीं कहीं 1.1 मीटर पर क्या हो गया, यहां पर हार्ड स्ट्रेटा आ गया था, ठीक है। उसके बाद ऊपर क्या है, लार्ज स्टोन स्लैब 10-15 सेंटीमीटर थिक, मतलब जो स्लैब थी, स्टोन थे, जो स्टोन के पत्थर थे वो 10 से 15 सेंटीमीटर की थिकनेस वाले पत्थर यूज किए गए थे, कुछ इस प्रकार के, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे क्या था, सब बात करते सबसे नीचे से ऊपर आते हैं हम, तो सबसे नीचे क्या है, हार्ड स्ट्रेटा आ गया। हार्ड स्ट्रेटा के ऊपर लार्ज फाउंडेशन स्टोन, मतलब फाउंडेशन के लिए बड़े बड़े पत्थर वहां पर रखे गए थे, बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग किया गया था फाउंडेशन के लिए। तो ये दो लेयर बनाई थी फाउंडेशन स्टोन के लिए, दो लेयर थी। उसके ऊपर क्या था, उसके ऊपर था ब्रोकन स्टोन इन लाइम मोर्टार, मतलब ब्रोकन स्टोन थे, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, साइज छोटा था उसका, और वो चूरा पत्थर बोलते, क्या बोलते हैं उसे, कि टूटे हुए पत्थर थे ऐसा बोल सकते हैं। और उसकी थिकनेस थी कितनी थी, 25-40 सेंटीमीटर थिक, मतलब ये थिकनेस थी 25-40 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पर लाइम मोर्टार का यूज किया गया था, पहले के जमाने में सीमेंट तो नहीं थी, तो वहां पर लाइम मोर्टार का यूज किया गया था इन सबको बाइंड करने के लिए, ठीक। इसके ऊपर आ जाते तो क्या था, लाइम कंक्रीट, लाइम कंक्रीट की एक लेयर थी, कितनी बड़ी लेयर थी, 25 से लेकर 40 सेंटीमीटर थिक की लेयर थी लाइम कंक्रीट की। उसके ऊपर लार्ज फाउंडेशन, लार्ज स्टोन मतलब बड़े पत्थर, जिसकी साइज पत्थर की स्लैब क्या थी, बड़े पत्थर के स्लैब थे वो, 10 से 15 सेंटीमीटर थिकनेस वाले। तो ये था एक रोमन रोड का स्ट्रक्चर का, कि इस प्रकार के रोमन रोड बने गए थे। और इसको क्या बोला गया था, इसको बोला गया था एपियन वे, क्या बोला गया था, एपियन वे। रोमन रोड को बोला गया था, एक जो पाथवे बनाया था उसको एपियन वे बोला गया था, और वो 312 बीसी में बनाए गए थे। कहां पर, कब बनाए थे, 312 बीसी में। तो उस जमाने से अभी तक रोड बनते हुए आ रहे हैं, तो ऐसे रोमन रोड यहां पर बनाए गए थे। अब इसका जो मेन फीचर्स थे वो क्या थे, अभी देख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि रोमन रोड का जो मेन फीचर्स थे वो क्या थे। तो यहां पर मेरे को सिर्फ दो मेन फीचर्स लगे, तो मैंने वो यहां पर मेंशन किया हुआ है रोमन रोड में, कि दे वेयर बिल्ड स्ट्रेट रिगार्डलेस ऑफ ग्रेडियंट, मतलब वो स्ट्रेट रोड बनाने में ज्यादा वो रखते थे, रुचि रखते थे, ताकि ग्रेडियंट में नहीं रुचि रखते थे, क्योंकि उस समय तक ग्रेडियंट वैसी बन नहीं सकती थी, उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था। उसके बाद दे वेयर बिल्ड आफ्टर सॉफ्ट सॉइल वॉज रिमूव्ड, जब सॉफ्ट सॉइल चिकनी जो मिट्टी जो है वो रिमूव हो जाती थी, उसके बाद जब हार्ड स्ट्रेटा आ जाता था उसके ऊपर ही रोड हम बनाना चालू करते थे हम, मतलब रोमन रोड ऐसे बनना चालू हुए थे, रोमन लोगों ने ऐसे रोड बनाए थे कि सॉफ्ट सॉइल को रिमूव कर दिया था, उसके बाद जब हार्ड स्ट्रेटा रीच हुआ था जब तक उन्हें डिगिंग करी थी, और उसके ऊपर क्या करा था कि रोड बनाया गया था। तो ये रोमन रोड के जो दो मेन फीचर्स है इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। और आज हमने रोमन रोड के बारे में जितना भी जान सकते थे उतना जानने की कोशिश की है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।